बादशाह दे ताज च जड़दे ने ओ लख सजदे होण पहचानियां सजानियां जांदियां ने ना होण लख महराब पहचानियां ते मत्थे दूरों गुस्ताखां दे पर्दे ने मुनकर अली दे अज भी सौ रब की दहशतगर्दी दिया केसां विच फड़दे ने सलामत रखें आबाद शाद रहो दामले बख्शित गुंजाइश बहुत थोड़ी मैं इंशाअल्लाह कल भी इसे टाइम से सभा से खड़ा होकर सभा से छोड़ दे शंकर सिंह मेरे बाद क्योंकि इमाम हुसैन बादशाह दी ओते मजलिस पुरबाश हो गए इतने शुरू हो जाए मालिक उन्होंने अरशां दे लंघ लवे तुहानू मौला आबाद शाद रखे रेजा नजफ देखने वास्ते दुनिया पता नहीं कितों कितों तशरीफ ले आई है सलवात मावाजे बुलंद सैन शादी दाते पर कसीदा सुनाने जनाब ने एक कसीदा अज ज्यादा मसैह मखदूमा सैन का उसके बाद इंशाला कल रूटीन के मुताबिक जो हुक्म होती तमील उसी राह बे औलाद दनौली में 1400 साल से जिड़ी तुम सुनते पे हो अंदाजे बे रंग बदल देता है वरना जमाने में कोई बात नहीं बात नहीं राहिब बे औलाद और तुम जी हुक्म लो आ गया मुहर्रम Yeah!
सुनाने के लिए शहजादी की अजमत से बाबा के ग्रंथ सरवाप को कसीदा सुनाइए जनाब ने राहिब दे औलाद कौशल साहब के बिना एक एक सवाल पैदा होता है कि राहिब के ईसाइयों च बंदे ही होता है जरा तारक दुनिया हो गए फिर औलाद की कही गल की गल नहीं जो मुझे यार की करना तो जो है मेहरबानी राय बाया लम्मा जहा फिर एक है ना एक मजलस है पूरी राहब निकलिया किवें राहब की होंगे ने साडे मौलवी
फाजल सुल्तान उल फाजल मुजतहिद ईसाइया च हुंदा है पादरी राहिब ते पोप त्रै कैटेगरियां उहदे ते इहदे भी कोई इतनियां हेठ उत्ते कर लो तवज्जो है जी यहूदियां च भी त्रै ही ने ठीक है जी यहूदियां च भी कतल जुर्म है ईसाइयां च भी कतल गुनाह है मुसलमानां च भी कतल गुनाह है साबित होया कोई पिछे ताकत है जिहड़ी अपने असूल नूं अपने हाथ च रखी बैठी सलामत रहो मैं भी शिकला करा जी मेरे दीवानी दे माणो मैं और भी तुहाडे वास्ते कोई ऐसी ताकत है अच्छा राहिब एक जिवें तंदूर नुमा टोआ हुंदा है ना चोरी अहमद जिंदगी दराज हो गई वो तंदूर नुमा टोआ कटते हैं जंगलों से उस तंदूर दे विच एक टोआ हुंदा है जिहड़ा इंज करके लम्मा हुंदा है उहदे विच ही रहिंदे ने उत्थे ही इबादत करदे ने सरकार ईसा अलैहि सलाम की बिशारत हुई है खुंडा छड़ दे ते बाहर निकल मैं ईसा नबी हां मैं तैनू आदा पिया इबादत तो कबूल होनी जिहड़ी मैं आखनी है जैसा के मस्जिद नबी च रसालत माफ तशरीफ फरमान एक बंदे नमाज नहीं चली लाजपाल फरमाया अल्लाह अकबर सरकार माया और मैं पानी दे जा अल्लाह अकबर नमाज को अली इमरान फारूक होकर दौड़ के गया मौला फरमाया जा पैरो माफी मांग मेरी बैत कर मेरे हुक्म दे अमर च पाबंद रहने ही इबादत है की समझ उन्हें नमाज मेरे नाम चले जब मैं हुक्म कर छड़िया उन्हें कल भी कल क्योंकि मुसलमान होना अबलीस नालों तेरी नमाजा वड़िया नहीं जरा अल्लाह के अमर का मुनकर हो जाए तो लानत पै जाती जरा मेरे अमर का मुनकर हो लानत माफी मंगी तवज्जो अगले तीस साल सलातो सलाम ने बिशारत दी बहर निकल आया हूं मौला की कर सरकार मैं शादी कर शाम के बाहर एक पेंडी जी का नाम है बाल बक उठ तुर जा उठो तो तेन मैं रईस बना छड़े शादी के बाद अगली ख्वाहिश की होंगी है जी हर बंदे की औलाद औलाद नरीना ना मंगया करो अज मैं मिंबर से एक गल दसनी आई अज याद कर लेना औलाद नरीना नहीं मंगनी ना नबियों की दुआओं पढ़ो नबी किसे नहीं आख्या मैंने औलाद नरीना दे आख्या मैंने औलाद सामने ता फरमा औलाद साले मंगो नरीना मंगसो नरीना नर बिचो बस अगली गल छो ठीक है हजरत ईसा अलैहि सलाम ते इस नौकर ने शादी कर ली बारह साल आख बाल बाग से बाद रईस आजम हो गया औलाद कोई नहीं आदे हम मौला मेरे में कदी से बड़ी गया बशारत हुई बारह साल के बाद मौला फरमाए घबरा गया उस मौला जरा शादी के बाद कम हों औलाद वो कोई नहीं तैनात हजरत ईसा भी दे सकते हैं ना बहरहाल सरकार ईसा फरमाया राहिब मदीने टुर जा अजकल मेरा मुर्शद गलिया च खेडन के काबल हो गया अजकल मेरा मुर्शद गलिया च खेडन के काबल हो गया तो जा गल सुन वो जरा मेरा मुर्शद ही ना वो फकीरों सुल्तान बनाने का गुर जान दे।